हाय नमस्कार प्रणाम आदाब सत श्री अकाल खुशामदीद। दोस्तों आप देख रहे हैं बेरोजगार आरजे बॉलीवुड की गलियों से नहीं, इस बार मैं खबर लेकर आया हूँ टॉलीवुड की गलियों से। और क्यों है टॉलीवुड ऊपर और बॉलीवुड आ रहा है नीचे, इस पर कर लेते हैं बात। रिसेंटली एक फिल्म रिलीज हुई RRR जो वर्ल्ड वाइड धूम मचा रही है, ऑडियंस का बेपनाह प्यार मिल रहा है। दो बड़ी स्टार कास्ट, रामचरण जूनियर NTR। लेकिन अगर हम बॉलीवुड की तरफ चलते हैं तो दो बड़े स्टार्स को लेकर फिल्म बनाना बहुत टेढ़ी खीर है। स्क्रीन टाइमिंग को लेकर जो उनके मतभेद होते हैं वो किसी से छुपे नहीं। अगर पीछे चले तो चाहे अंदाज अपना अपना में आमिर सलमान हो या करण अर्जुन में शाहरुख सलमान हो, स्क्रीन टाइमिंग को लेकर उनके मतभेद जग जाहिर है। सालों तक बात भी नहीं हुई। लेकिन अगर हम चलते हैं टॉलीवुड में और फिल्म RRR को देखते हैं तो वहां पर दो बहुत बड़े स्टार हमें देखने को मिलते हैं टॉलीवुड के। और अगर उसमें फिल्म में स्क्रीन टाइमिंग की बात की जाए तो रामचरण की स्क्रीन टाइमिंग जूनियर NTR के मुकाबले ज्यादा है और इस पर बार बार NTR से सवाल पूछे जा रहे थे। तो आखिरकार जूनियर NTR ने अपनी चुप्पी तोड़ी और चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि रामचरण के मुझसे ज्यादा सीन है। तो ये दर्शाता है कि जूनियर NTR वाकई ही बेहद शानदार एक्टर और बेहद शानदार इंसान है। लेकिन अगर दोस्तों बॉलीवुड की तरफ जाते हैं तो वहां पर आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। और एक ही नहीं, हमने टॉलीवुड की कई फिल्में देखी हैं जिसमें बड़ी स्टार कास्ट ने एक साथ काम किया है। तो क्या आप वाकई ही ये मानते हैं कि बॉलीवुड स्टार्स का जो अपना स्टारडम है वो कहीं ना कहीं आगे या उसके आड़े आ जाता है और दो बड़े स्टार्स एक फिल्म में हमें देखने को नहीं मिल पाते? आपकी क्या राय है इस पर कमेंट करके जरूर बताना।